शारदीय नवरात्रि अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होती है। ज्योतिषाचार्य ने बताया है कि शारदीय नवरात्र घट स्थापना का सही मुहूर्त क्या है, आइए जानें। हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व है। माँ दुर्गा की उपासना का पर्व साल में चार बार आता है, जिसमें दो गुप्त नवरात्रि और दो चैत्र व शारदीय नवरात्रि होती है। शारदीय नवरात्रि अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होती है। अश्विन माह में पड़ने वाली शारदीय नवरात्रि का पर्व काफी धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें माँ दुर्गा की प्रतिमाएं विराजित की जाती है, साथ ही कई स्थानों पर गरबा और रामलीलाओं का आयोजन किया जाता है। शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर 2023 से शुरू हो रही है। इस बार घट स्थापना का सही मुहूर्त क्या है, आइए जानें। इस साल नवरात्रि रविवार 15 अक्टूबर 2023 से शुरू हो रही है। 23 अक्टूबर 2023 मंगलवार को नवरात्रि समाप्त होगी, वहीं 24 अक्टूबर विजयादशमी या दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। अश्विन माह की प्रतिपदा तिथि 14 अक्टूबर 2023 की रात 11:24 से शुरू होगी। ये 15 अक्टूबर की दोपहर 12:32 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 15 अक्टूबर से होगी। हिंदू धर्म में नवरात्रि के पर्व को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। हिंदू धर्म में साल में चार बार नवरात्रि पड़ती है। दो नवरात्रि प्रत्यक्ष होती हैं और दो नवरात्रि गुप्त होती हैं। इस 9 दिन के महापर्व के पहले दिन घट स्थापना की जाती है और माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा भी की जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों में व्रत भी रखा जाता है। पूरे नियमों के साथ माँ दुर्गा की आराधना की जाती है। शारदीय नवरात्रि का पर्व अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होती है, जो कि नवमी तिथि को समाप्त होगी। इसके बाद दशहरा मनाया जाएगा। प्रतिपदा तिथि के दिन घट स्थापना की जाती है। इस दिन से 9 दिन अखंड ज्योति जलाई जाती है। इस साल नवरात्रि रविवार 15 अक्टूबर 2023 से शुरू हो रही है। मंगलवार 23 अक्टूबर 2023 को नवरात्रि समाप्त होगी। वहीं 24 अक्टूबर विजयादशमी या दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। अश्विन माह की प्रतिपदा तिथि 14 अक्टूबर 2023 की रात 11:24 से शुरू होगी। ये 15 अक्टूबर की दोपहर 12:32 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 15 अक्टूबर से होगी। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि को यानी पहले दिन कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 15 अक्टूबर को 11:48 से दोपहर 12:36 तक है। ऐसे में कलश स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त इस साल 48 मिनट ही रहेगा। घट स्थापना तिथि रविवार 15 अक्टूबर 2023। घट स्थापना मुहूर्त प्रातः 6:30 से प्रातः 8:47 तक। अभिजित मुहूर्त सुबह 11:48 से दोपहर 12:36 तक। नवरात्रि में कलश स्थापना का विशेष महत्व है। कलश स्थापना को घट स्थापना भी कहा जाता है। नवरात्रि की शुरुआत घट स्थापना के साथ ही होती है। घट स्थापना शक्ति की देवी का आह्वान है। मान्यता है कि गलत समय में घट स्थापना करने से देवी मां क्रोधित हो सकती है। रात के समय और अमावस्या के दिन घट स्थापित करने की मनाही है। घट स्थापना का सबसे शुभ समय प्रतिपदा का 1/3 भाग बीत जाने के बाद होता है। अगर किसी कारणवश आप उस समय कलश स्थापित न कर पाए तो अभिजीत मुहूर्त में भी स्थापित कर सकते हैं। प्रत्येक दिन का 8वां मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त कहलाता है। सामान्यतः ये 40 मिनट का होता है। हालांकि इस बार घट स्थापना के लिए अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध नहीं है। कलश स्थापना की सामग्री माँ दुर्गा को लाल रंग खास पसंद है, इसलिए लाल रंग का ही आसन खरीदें। इसके अलावा कलश स्थापना के लिए मिट्टी का पात्र, जौ, मिट्टी, जल से भरा हुआ कलश, मौली, इलायची, लौंग, कपूर, रोली, साबुत सुपारी, साबुत चावल, सिक्के, अशोक या आम के 5 पत्ते, नारियल, चुनरी, सिंदूर, फल फूल, फूलों की माला और श्रृंगार पिटारी भी चाहिए। कैसे करें नवरात्रि में कलश स्थापना? नवरात्रि के पहले दिन यानी कि प्रतिपदा को सुबह स्नान कर लें। मंदिर की साफ सफाई करने के बाद सबसे पहले गणेश जी का नाम लें और फिर माँ दुर्गा के नाम से अखंड ज्योत जलाएं। कलश स्थापना के लिए मिट्टी के पात्र में मिट्टी डालकर उसमें जौ के बीज बोएं। अब एक तांबे के लोटे पर रोली से स्वास्तिक बनाएं। लोटे के ऊपरी हिस्से में मौली बांधें। अब इस लोटे में पानी भरकर उसमें कुछ बूंदे गंगाजल की मिलाएं। फिर उसमें 1.25 रुपया, धूप, सुपारी, इत्र और अक्षत डालें। इसके बाद कलश में अशोक या आम के 5 पत्ते लगाएं। अब एक नारियल को लाल कपड़े से लपेटकर उसे मौली से बांध दें।
फिर नारियल को कलश के ऊपर रख दें। अब इस कलश को मिट्टी के उस पात्र के ठीक बीचों बीच रख दें जिसमें आपने जौ बोए हैं। कलश स्थापना के साथ ही नवरात्रि के 9 व्रतों को रखने का संकल्प लिया जाता है। आप चाहें तो कलश स्थापना के साथ ही माता के नाम की अखंड ज्योति भी जला सकते हैं। अगर हमारी स्टोरी से जुड़े आपके कुछ सवाल हैं, तो वो आप हमें आर्टिकल के नीचे दिए कमेंट बॉक्स में बताएं। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। लेटेस्ट नॉलेज 97 जानकारी की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो इसे शेयर जरूर करें। ऐसी ही अन्य स्टोरी पढ़ने के लिए जुड़े रहें लेटेस्ट नॉलेज 97 से।